हे गाइस, दिस इज रूट डेस्टिनेशन एंड आई एम क्षितिज। और आज के वीडियो में हम लोग हमारी गाड़ी को फिल्म लगाने वाले हैं सब काज को। तो पहले सैंपल देखते हैं कि कौन से टाइप की फिल्म्स है और फिर डिसाइड करेंगे और फिर लगाएंगे। सो या तो गाइस, अभी दो फिल्म का हम लोग ने लगा दिया है इधर सैंपल्स। और एक है वो लाइट है घरवारे वाली और दूसरी है थोड़ी डार्क। तो वो जो लाइट वाली वो तो समझ में भी नहीं आ रही कैमरा में। तो इधर एक फिल्म है लाइट वाली जो मैंने हाथ नहीं लगाया था तो आपको समझ में भी नहीं आया आधी रहेगी। और ये है थोड़ी सी डार्क इधर राइट साइड में। सो अभी देखते हैं कि कौन सी अच्छी लगती है मुझे और फिर हम लोगों लगाएंगे। ये कुछ ज़्यादा ही लाइट दिख रही है तो ऐसे लग रहा भी नहीं कुछ फिल्म लगाई है, जैसे लग रहा तो है थोड़ा फार। सो अभी एक जेट ब्लैक वाला भी लगा के देखते हैं फिर डिसाइड करेंगे। तो गाइज ये सब रोल्स है, ये जेट ब्लैक है, ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाला है, फिर ये और ज़्यादा जेट ब्लैक वाला है। तो ऐसे इधर चार पांच टाइप के फिल्म्स है। तो अभी गाड़ी को एप्लीकेशन करते हैं। तो मैं चारों डोर को मारने वाला हूँ, ये अपना नॉर्मल ब्लैक फिल्म, और डिक्की को मारने वाला ये जेट ब्लैक वाला फिल्म। सो या देखते हैं। तो गाइज अभी मेजरमेंट चालू है कांच का। तो पहले अभी मेजरमेंट होगी, फिर कटिंग होगी और फिर डायरेक्ट पिस्टिंग। तो अभी देखते हैं। तो गाइस अभी हमारे 12 का डोर का कटिंग चल रहा है, ये सब पूरा मेजरमेंट लेके कट कर देंगे और फिर डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। और ये भी पीछे का बाहर से फिल्म, अंदर से नहीं लगाने वाले क्या? तो ये बाहर से क्यों चिपका रहे हो फिर? बाहर से गर्म करना पड़ता। अच्छा, तो ये पहले से बाहर से चिपका गर्म करके तो लगा रहेंगे और फिर अंदर से डायरेक्ट चिपका दोगे ना? और फिर अंदर से चिपका देंगे पूरा। तो ये कितना परसेंट है? 30 ये 50% वाला है डार्क फिल्म। तो आप देख सकते हो डिफरेंस, पहले ये पूरा लाइट था एकदम अंदर का अच्छे से दिखता था, अभी थोड़ा डार्क हो गया। और ये अभी विदाउट फिल्म है, अंदर का पूरा क्लियर दिख रहा है। और ये अभी विद फिल्म है, अंदर का सब कुछ डार्क दिख रहा है डार्क। तो अभी पीछे का डोर का निकाल दिया है मेजरमेंट, अभी आगे का डोर का निकालेंगे। तो ये तुम देख सकते हो। तो गाइज आप ये सब देख सकते हो कि अभी आगे का निकाल रहे हैं डायरेक्ट, पूरा एच टू एच कटिंग होएगा और फिर चिपका देंगे। तो अभी डायरेक्ट पेस्टिंग का ही प्रोसेस देखते हैं, उससे पहले ये हीटिंग करके इसको गर्म करते अच्छे से, तो ये पेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो गाइस अभी मेजरमेंट निकाल लिए और अभी देख सकते हो आप वापस सब कुछ अंदर का एकदम क्लियर दिख रहा है और सब एकदम लाइट है। फिल्म डालने के बाद सब कुछ डार्क हो जाएगा। तो आपको एक गाड़ी का बिफोर आफ्टर शॉट भी दिखा देता हूँ, एक स्नैप लेते हैं बिफोर आफ्टर वाला। तो ये अभी गाड़ी का करंट लुक है, मतलब सब कुछ क्लियर दिख रहा है एकदम अंदर का। और अभी पूरा जब फिल्म मार्क हो जाएगा तब और एक ऐसे स्नैप लेंगे ये एंगल में, और पैरेलल आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी डिफरेंस क्या है गाड़ी में। तो अभी अंदर से पिस्टिंग का प्रोसेस देखते हैं। तो अभी पूरा ये पानी क्यों लगाते हैं? पानी से बचते हैं। क्या बोले? पानी से बचते हैं। अच्छा, तो ये एकदम अच्छी से पिस्टिंग होने के लिए पहले पानी लगा के पोंछते हैं और फिर फिल्म को चिपका देते हैं। ये सोपी वाटर है। तो अभी हमारे हेयर ड्रेस निकाल दिए और ये फिल्म है, अभी डायरेक्ट पेस्टिंग हो जाएगी फिल्म की। तो ये अभी वाइप कर रहे हैं पानी मारने के बाद। वो सब डैशबोर्ड पे पानी आया, वो पोछ डालो सब, सब गिला गिला हो गया। पानी से काम।
गाइस ये हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है, अभी दबा के पानी निकाल रहे हो ना बस, तो अभी दबा के पानी निकाल रहे हैं और हम अंदर से अभी देख ही सकते हो कि कितना कूल लग रहा है गाड़ी, मतलब धूप ज्यादा नहीं आ रही और एकदम कूल टोन हो गया है। तो अभी फाइनल लुक देखेंगे थोड़े टाइम में। अभी हमारे पैसेंजर विंडो का फिल्म एप्लीकेशन चल रहा है, देख सकते हैं इधर। और हमारे पीछे की गाइस का तो हो गया अभी पूरा एप्लीकेशन, अभी ये चारों विंडोज है उनका होएगा। तो गाइस मेरे आगे वाले का भी एप्लीकेशन हो गया और पीछे वाले का होने का बाकी है, तो अभी पानी मार रहे उस पे और अभी पीछे वाला भी अप्लाई कर देते हैं। ये कच हो गई ना? हां, वो रिंकल है अभी भी नीचे के साइड में, तो निकल So guys, हमारे ये वाले ग्लास में फिल्म लग चुकी है, इसमें हम लोग नहीं लगा रहे क्योंकि ये हमारा मेन कांच है, इधर विजन एकदम क्लियर चाहिए बारिश या हर टाइप के मौसम में। और इधर अभी नहीं लगा है, इधर अभी एप्लीकेशन चालू है, तो अभी ऑलमोस्ट हर कांच को सेम ही एप्लीकेशन है। तो आपको मैं डायरेक्ट फाइनल लुक दिखाता हूँ। सो अभी डायरेक्ट फाइनल लुक में देखते हैं जब पूरी गाड़ी हो जाएगी। तो गाइज आपको पीछे क्लियर डिफरेंस समझेगा कि फिल्म और नॉन फिल्म में, तो ये वाली ग्लास को फिल्म लगाई है। ये कौन सा कितना परसेंट है ये जो तुम लगा रहे हो? 50% है। ये 50% है, ज्यादा लग रहा है ये, मैं कम लग रहा है ये वाला है। और पीछे वाला डिक्की में लगा है वो डार्क है। अच्छा, तो ये अपना 50% है और वो 30% है और इधर फिल्म ही नहीं है, तो आप तीनों का डिफरेंस देख सकते हो कि 50% बिना फिल्म और फिल्म 30% में कितना डिफरेंस पड़ता है। अभी दरवाजा बंद करेंगे तो आपको समझेगा 50, 30 और नो फिल्म। अभी ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी का एप्लीकेशन हो गया है, तो अभी फाइनल आउटपुट ही देखते हैं डायरेक्ट। और ये जो छोटी क्वार्टर ग्लास है इधर, इधर भी फिल्म लगेगी। सो गाइज अभी हमारी गाड़ी का फिल्म का फिटिंग हो चुका है और आगे वाली फिल्म नहीं लगाई है हमने, साइड और पीछे की लगाई है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि बाजू की साइड डार्क है और आगे वाली साइड एकदम फेड है। सो अभी पास से जाके देखते हैं। तो ये अभी हमारा थोड़ा डार्क फिल्म है, तो अंदर गाड़ी में एकदम थोड़ा अच्छा कूलिंग इफेक्ट आया है और धूप एकदम स्ट्रांग लग रही नहीं है। और ये पीछे के वाली डार्क एकदम 50% है और वो 30%। सो और ये बराबर कटआउट भी किया है स्टॉप लैंप के लिए। तो मैं आपको वो बिफोर आफ्टर वाला शॉट दिखाता हूँ जो मैं बोल रहा था, सेम एंगल बिफोर आफ्टर वाला डिफरेंस दिखाता हूँ अभी। कि पहले गाड़ी कितना फेड था और अभी कितना डार्क हो गया है। सो या
सो गाइस जब आपको सिनेमैटिक शॉट्स चाहिए रहेंगे तो मैं एक सिनेमैटिक शॉट डाल देता हूँ, फिर देखते हैं। तो गाइज अभी आपने सिनेमैटिक शॉट्स भी देख लिए रहेंगे और हमारी सारी फिल्म अप्लाई भी हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे विंडोज पे अप्लाई हो चुकी है, बस अपने विंडशील्ड पे नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर अभी थोड़ा डार्क और कूल फील आ रहा है, मतलब ऐसा कूलिंग इफेक्ट आ रहा है गाड़ी में। तो हम एकदम धूप के नीचे खड़े हैं और ज़्यादा तेज धूप गाड़ी के अंदर भी नहीं आ रही और काफ़ी कूलिंग अच्छी हो गई है अभी एसी की। पहले भी बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग था कूलिंग, अभी और भी बेटर हो गया है। सो आपको एक बाहर से भी मैं शॉट दिखाता हूँ कि गाड़ी अभी कैसी दिख रही है। सिनेमैटिक तो आपने देख लिए बट आपको ऐसे एक रॉ शॉट भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा डार्क फिल्म नहीं लगाई है मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर का दिख सकता है सब कुछ आपको, एकदम जेट ब्लैक भी नहीं लगाई है क्योंकि जेट ब्लैक थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है और उसमें पुलिस पकड़ने का ज़्यादा चांसेस भी रहता है, तो मैंने वो नहीं लगाया। और मेरा मेन रनिंग जो है गाड़ी का मुंबई सिटी में है, तो मुझे पुलिस का ज़्यादा चक्कर नहीं चाहिए। सो या, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि गाड़ी कैसी लग रही है अभी। अभी ऑलमोस्ट 80-90% काम हो चुका है, अभी तो और थोड़ा काम करना बाकी है। और फिल्म का भी कैसा अभी लुक आ रहा है टोटल तो बता देना। सो ये मैंने ये कुछ 70% लगाई है जो साइड्स में, ये थोड़ा सा फेड है इधर 50% पीछे, ये थोड़ा और डार्क है क्योंकि इधर से ज़्यादा धूप आती है और जब पीछे बैठते पैसेंजर उनके डायरेक्ट सर पे धूप लग जाती है। सो या, तो मुझे बताना कि लुक कैसा है गाड़ी का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज क्षितिज साइनिंग ऑफ एंड आई होप टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।